हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई ए एस इज नाइन्थ ऑफ नवंबर 2020 आज हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज सिविल सर्विसेज परस्पेक्टिव से आपको पढ़नी है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू जो बाइडन प्लेजिस टू यूनाइट अमेरिका एज सच नाउ द न्यूज ऑन इंडिया अमेरिका हैव बिकम इंपॉर्टेंट अब हमें पता है कि जो बाइडन इज द

बेसिकली जहां भी आप इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स बना रहे हैं उसमें इंडिया यूएस एस में ये सारे पॉइंटर्स एड होंगे हाउ द पॉलिसी पोजिशन विल चेंज वेदर इट इज़ ऑन द इमिग्रेशन पॉलिसी वेदर इट इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट्स वेदर इट इज़ ऑन द न्यूक्लियर डील और इंडिया यूएस रिलेशन के अलावा जो और ग्लोबल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर इसका इंपैक्ट होगा फॉर एक्जाम्पल ऑन द ईरान न्यूक्लियर डील ऑन द मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द मेंबरशिप ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील ये सारी चीजें जो हैं, ये हम आपको नोट करनी है ऑन द नोट्स वेर आवर यू आर नोटिंग द इंडिया यूएस रिलेशन तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है उसके बाद नो रिलीफ फॉर डेली फ्रॉम सिवियर एयर क्वालिटी रोज की तरह ये एक न्यूज है जो काफी दिन तक चलने वाली है एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए था एयर क्वालिटी इंडेक्स द सफर एस ए एफ ए आर एयर क्वालिटी इंडेक्स सफर सिस्टम फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड एयर एंड रिसर्च सफर देन जो एक नई कमीशन गवर्नमेंट ने बनाई है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन एंड अराउंड द डेली एन सी आर उसका क्या मैंडेट रहने वाला है उसके अलावा जी आर ए पी ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये सारी चीजें ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए तो ये सारी न्यूज क्योंकि इतनी ज्यादा ये खबरों में आजकल चल रहा है यू शुड नो द एंटायर इंटीग्रिटी ऑफ दिस टॉपिक ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज बेसिकली जैसा कि नाम से पता चलता है ग्रेडिड रिस्पॉन्स यानी कि जब पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसको जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में कुछ स्टेजेस हैं स्टेज वन पॉल्यूशन स्टेज टू स्टेज थ्री स्टेज फोर स्टेज फाइव इस तरह से उसमें हर एक स्टेज के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने खुद के लिए डिसाइड किए हैं फॉर एग्जाम्पल जब पॉल्यूशन होना शुरू होता है तो फर्स्ट स्टेज में कुछ जो यू कैन से Uh, कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी जाती हैं जैसे कि ट्रक्स की एंट्री जो है वो दिल्ली के बाहर से होने लग जाती है जो यू कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैफिक इज़ ट्राइड टू बी कंट्रोल्ड जब ग्रेड टू में पहुंच जाता है तो पेड़ों के ऊपर पानी स्प्रिंकल करना शुरू किया जाता है डस्ट की वैक्यूम क्लीनिंग करने लग जाते हैं जब स्टेज थ्री आता है तो कुछ इंडस्ट्रीज़ क्लोज डाउन होने शुरू हो जाती हैं इंक्लूडिंग सम थर्मल पावर प्लांट्स इन एंड अराउंड डेली स्टेज फोर और स्टेज फाइव में तो ऑड इवन रूल इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है डीजल जनरेटर्स बैन कर दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन बैन कर दी जाती है वाटर स्प्रिंकलिंग सारी कंस्ट्रक्शन जगहों पर कंपलसरी कर दी जाती है तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेड वाइज जो रिस्पॉन्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ डेली एन अब ये न्यूज़ सिर्फ डेली की नहीं एन की है और नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कुछ एरियाज आते हैं सो दैट इज़ वट वी हैव टू कीप इन माइंड सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ऑड इवन रूल ये सारा आपका इसके जुड़ा हुआ है कोर कमांडर टॉक्स वर कैंडेड कंस्ट्रक्टिव विंटर्स आर सेटिंग इन बट द ट्रूप एट एनबॉन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल इतनी ज्यादा एज वेल एज चाइना बट दस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल आर हेडेड नो वे अभी भी कोई एस सच कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया है अंटीन्यूअस न्यूज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं मिलेगा आपको मूविंग ऑन दीज आर द स्टेट्स पेजेस इसमें से कोई एक दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखने को मिलती हैं एडिटोरियल पेज पेज नंबर एट आज इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है इंडिया एंड बाइडन इंडिया एंड बाइडन यूएस पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंसी विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज समिट्स अब इसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको दैट हाउ इफ दिस रिलेशनशिप इज नॉट पर्सनलाइज इट विल बी मोर कंसिस्टेंट क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक रिलेशनशिप देखने को मिली थी ड्यूरिंग द इंडिया चाइना समिट्स जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएस विजिट किया और यूएस प्रेसिडेंट ने जब इंडिया विजिट किया था उसकी वजह से अब ऐसा हो सकता है दैट द न्यू प्रेजिडेंट मे नॉट फील दैट कंफर्टेबल अराउंड द इंडियन लीडरशिप तो इस एडिटोरियल uh, में सजेस्ट किया गया है दैट इट इज़ बेटर इफ दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट पर्सनलाइज्ड ओनली देन दे कैन अटेन अ वेरी फाइन लेवल ऑफ कंटिन्यूटी तो ऐसा कुछ इसमें सजेस्ट किया गया है कुछ सजेशंस दिए गए हैं जैसे कि टू प्लस टू टॉक्स जो होती हैं उसको कैसे सही किया जा सकता है टू प्लस टू टॉक्स बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज तो इस तरह के कुछ मैकेनिज्म हैं जिन्हें अच्छा करने की ज़रूरत है इंडिया यूएस रिलेशन के लिए आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारा फॉडर है द यूएस वोट इज़ अबाउट बिल्डिंग बैक बेटर थोड़ा सा इसमें से आपको एक दो पॉइंट्स मिल जाएंगे टर्निंग द स्पॉटलाइट लाइट ऑन अमेरिकाज इलेक्शन का ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दिस आर्टिकल हैज टू बी लेफ्ट आउट फिर एक इंडियन इकोनॉमी पे आर्टिकल है जो आपको पढ़ना है वॉक द टॉक बेसिकली रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वर्चुअल समिट में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारी बातें बोलें जिन्हें की काफ़ी प्रेज किया गया बिकॉज इंडियन इकोनमी को इस वक्त फॉरन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आफ्टर द पैंडमिक इंड्यूज लॉकडाउन एंड ऑल द इकोनॉमिक डैबलिंग दैट वी हैव विटनेस्ड इंडिया को इस वक्त पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो इसमें शुरू में उस एड्रेस की तारीफ की गई है और एंड में ये कहा गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे थे दैट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद एक्शन ऑन द ग्राउंड के ऑन द ग्राउंड जितनी चीज़ें वो इन्वेस्टर्स को प्रामिस कर रहे हैं ऑल दोज थिंग्स हैव टू भी प्रोवाइडेड लाइक द रेगुलेटरी एनवायरमेंट लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द इम्प्रूवड लॉजिस्टिक्स ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाना जरूरी है सो so, इसीलिए इसका नाम है वॉक द टॉक, दैट यू शुड प्रोवाइड इट, तो इकोनॉमी पे आर्टिकल आपको पढ़ना है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इन टाइम्स ऑफ कोविड एक अच्छा आर्टिकल लिखा है उन्होंने कैसे जी इन जी डी पी शुड नॉट बी ग्रॉस बट ग्रीन तो इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि अगर हम नेचर को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे देन अवर इकोनॉमी ऑल्सो कैन नॉट प्रॉस्पर तो जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम जी डी पी में इकोनॉमी को देते हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस जब हम इन्वायरमेंट को देने लग जाएंगे देन इट विल बी अ मच बेटर सिचुएशन मतलब रीन्यूएबल्स को प्रमोट करो राइट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करो ये सारा कुछ इसमें इन्होंने बात की है और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये जयराम रमेश जी ने लिखी है एंड ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन द यूपीए गवर्नमेंट सो एन अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी तो एनवायरमेंट इकोलॉजी और पॉलिसी पर्सपेक्टिव से ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके साथ आपने एक जो स्कीम पढ़नी है दैट इज फेम फेम एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो इस न्यूज के साथ आपको वो पढ़नी है अलॉन्ग विद इट यू ऑल्सो हैव टू सी द रिनबल एनर्जी टारगेट्स एज वेल एज अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का टारगेट विंड का टारगेट सभी के टारगेट्स जो हैं 2022 तक कितने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और अब तक कितना उसमें से अचीव हो चुका है अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो सी द आई एन डी सी ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एन डी सीज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन पैरिस क्लाइमेट डील टू थाउजेंड फिफ्टीन के अंडर हर कंट्री ने कुछ प्रॉमिस किया था कि हम इतने एमिशन को कंट्रोल करेंगे और इतने रीन्यबल एनर्जी को ऐड करेंगे सो वट आर इंडिया वो तीन पॉइंटर्स हैं जो आपने अपने नोट्स में ऐड करने हैं रीन्यूबल एनर्जी का कितना टारगेट है कितने गीगा का और कितना उसमें से हम अचीव कर चुके हैं एंड थर्ड इज द स्कीम फेम राइट फास्टर एडोप्शन ऑफ मोबिलिटी इन इलेक्ट्रिक तो ये जो स्कीम है ये आपने ये तीनों चीजें आपने नोट डाउन करनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके बाद इंटरनेशनल पेज पे अगेन ऑल द न्यूज मोस्टली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिजल्ट्स कैन स्विच टू द सेकेंड न्यूज पेपर विच इज़ द इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे देर नो सच स्पेसिफिक न्यूज सारी न्यूज मोस्टली रिपीट हुई है एक न्यूज जो आपने पढ़नी है रीजनल पेज पे दिस इज पेज नंबर फोर सो दिस इज अ कॉमन न्यूज फॉर ऑल सिविल सर्विस एस्परेंट बंपर हावेस्ट पंजाब पर हेक्टेयर पैडी

पर एक यील्ड हैज़ गॉन हाई हालांकि इसका एक दूसरा रीज़न भी देखा जा रहा है कि पंजाब में शायद दूसरी स्टेट से लाकर जो पैडी है वो बेची जा रही है बट स्टिल इट इज़ नॉट मच तो अगर एरिया इतना कम है और इतनी ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट है वो ऊपर गई है दैट शोज द पर एकर यील्ड हैज़ इम्प्रूवड सो फाइनली जो एक काफ़ी ज़्यादा यू कैन सेचूरेशन पॉइंट हैड बिन हिट इन पैडी एंड दिस वीट

editorial pages okay now this is an important page page number 8 today the idea exchange generally is page pe aapko roz nahi padhna hota hai but today page number 8 you have to read ये पेज आपका इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है Very very authoritative voice मिस्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन He is the चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये आर्टिकल आपने पूरा पढ़ना है इसमें से आपको काफी पॉइंटर्स मिलेंगे जो आप इंडियन इकोनॉमी नोट्स में ऐड कर सकते हो फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक रिस्पांस कैसा रहा है कोविड नाइनटीन पे आगे हम क्या करने वाले हैं राइट right? uh, काफी सारी स्कीम्स इन्होंने डिस्कस की हैं इनोवेशन क्या क्या होने वाली हैं तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो अनसर्टिनिटी चल रही है पिछले काफी टाइम से उसके ऊपर काफी अथॉरिटेटिवली मिस सुब्रमण्यन ने बोला है so, हाइएस्ट इकोनॉमिक ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इनके पूरा जो पूरा जो पेज है इस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें काफ़ी पॉइंट्स आपके निकल के आएंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है एंटायर पेज यू जस्ट एन इंटरव्यू सिंपली उसके बाद एक्सप्लेन पेज एक्सप्लेन पेज पे कोरोना वायरस की न्यूज़ है यू कैन स्केप इट दिस न्यूज यू कैन रीड इन अ मिरर ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ग्रो एंड ओवरऑल डिक्लाइन पिछले कुछ टाइम से ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ग्रो हो रहे हैं सो इट इज एन आरोनिकल सिचुएशन इट इज लाइक वी कैन सेंस एन अपॉर्चुनिटी हेयर एज वेल वी कैन सेंस अ चैलेंज हेयर एज वेल कि अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाकी सब कुछ डाउन होने के बावजूद भी ग्रो कर रहे हैं इज दिस समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन दैट कैन इंडिया बिकम एन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हब जो कि काफ़ी देर से काफ़ी सारे जो इकोनॉमिट है वो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं दैट सिंस एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वी शुड बिकम एन एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्री बाय एडिंग वैल्यू टू इट बाय एस्टैब्लिशिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो उस कॉन्टेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है इसमें आपको कोई ज्यादा डेटा पे ध्यान नहीं देना जस्ट हैव टू फाइंड आउट वन और टू पॉइंटर्स और आपको एक केस मेकआउट करना है फॉर मेकिंग इंडिया एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्री विच कैन बी अ रियली गुड सेक्टर फॉर इंडिया coupled with the food processing industry. editorials page pe, most of the editorials are opinionated. This editorials have mixed signals. Ye the hindu have already purchased. nothing new in this. right. so most of the things we have done. on the world page. on the world page. सुकीज़ पार्टी फेवर्ड टू विन एज म्यांमार वोट्स सो ऑंग सुकी, सु लीडर ऑफ म्यांमार वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं एंड द आउटकम विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इंडिया म्यांमार रिलेशंस अच्छे से स्टडी करने हैं वहां पर क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं इंडिया म्यांमार में कौन कौन से जैसे राखीन स्टेट में मुस्लिम्स का इशू है देन रोहिंग्या मुस्लिम्स का यस द इशू इज try to find out some of the background of Aung San Suu Kyi. She is a Nobel Peace Prize winner. काफ़ी साल तक ये हाउस अरेस्ट में रही 20-25 साल तक ये हाउस अरेस्ट में रहीं देन शी केम आउट शी बिकेम द लीडर ऑफ म्यांमार नाउ इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड इन पे काफ़ी एलिगेशन भी लगे हैं रोहिंग्यास को प्रसिक्यूट करने के तो इंडिया म्यांमार रिलेशंस के कॉन्टेक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये सब आपको स्टडी करना है तो इंडिया म्यांमार रिलेशन थोड़े से ज़्यादा आपको फोकस करने हैं यहाँ पर So, these are all the important news that you have to read in both the newspapers today. Thank you. And if you like this video, please subscribe, share, and like the video. And thank you. Have a nice day.